शिमला में 7 सेकंड में गिरी 7 मंजिला इमारत, नींव दरकने से हुआ हादसा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आगरा में 2 पक्षों में हुआ जमकर विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बलरामपुर में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता, जंगली लकड़ी के साथ 4 अभियुक्त गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्तों को भेजा गया जेल। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने कुछ ही घंटे में किया छात्रा की हत्या का खुलासा, अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही है पूछताछ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हाल ही में हुई बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से गुरुवार शाम एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, राज्य आपदा प्रबंधन निदेशक सुदेश कुमार मोक्ता ने बताया है कि यह घटना शिमला में हाल ही में पैलेस के पास घोड़ा चौकी पर शाम 5:45 बजे के करीब हुई और इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि इमारत के गिरने से पहले लोग बाहर निकल चुके थे, साथ ही जानकारी ये भी है कि इमारत 7 मंजिला थी और भूस्खलन की वजह से इसकी नींव दरक चुकी थी। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सिर्फ 7 सेकंड में ये 7 मंजिला इमारत ढह गई। हालांकि उससे पहले ही उस इमारत में जो भी लोग थे वो वहां से बाहर निकल गए, इसलिए किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बेहद ही भीषण हादसा है। तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कितनी सी देर में ये पूरी की पूरी इमारत ढह गई, हालांकि इसकी नींव दरक गई थी, जिसके बाद ये पूरा हादसा हो गया है। प्रतापगढ़ के थाना असपुर देवसरा क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने गौ तस्करी, गौकशी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 15,000 के इनामी अभियुक्त सहित गौ तस्करी करने वाले 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 20 गौवंश, 2 पिकअप, 1 मैजिक लोडर और तमंचा समेत गौवध करने के उपकरण भी बरामद किए हैं। वही बताया जा रहा है कि गिरोह की संख्या सैकड़ों में है और जिसके बाद पुलिस अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में जुट गई है। वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम को आई रेंज प्रयागराज की तरफ से 50,000 का इनाम भी दिया जा रहा है। तो प्रतापगढ़ का पूरा मामला है जहां पर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, गौ तस्करी करने वाले 17 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बता दें आपको, पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि जानकारी ये भी दी जा रही है कि बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में और गौ तस्कर हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने गौ तस्करी, गौकशी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का ये खुलासा किया है। साथ ही 15,000 के इनामी अभियुक्त सहित 17 गौ तस्करी करने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चलिए, प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता देवानंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवानंद, क्या पूरा अपडेट है? 17 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि बहुत सारे और जो तस्कर हैं वो भी हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। तो चलिए, संपर्क करने की कोशिश करेंगे, दोबारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रतापगढ़ का पूरा मामला है जहां पर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है और गौ तस्करी करने वाले 17 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि अभियुक्तों के पास से 20 गौवंश, 2 पिकअप, 1 मैजिक लोडर और तमंचा समेत अवैध गौवध करने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि गिरोह की संख्या और ज्यादा सैकड़ों में है, जिसके बाद पुलिस अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में भी जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तार करने वाली टीम को आईजी रेंज प्रयागराज की तरफ से 50,000 का इनाम भी दिया जा रहा है।
चलिए एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के साथ प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता देवानंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवानंद, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? पारुल जी, यही आपको बताना चाहेंगे कि 15,000 रुपया का इसका इसके ऊपर इनाम था और मुखबिर की सूचना में आज को देसरा की पुलिस ने छापा मार करके 17 लोगों को लगभग गिरफ्तार किया। इनके पास से काफी जो गोकशी की जाती है उससे काफी इंस्ट्रूमेंट जैसे फरसा है और तमाम प्रकार के चीजें हैं सब बरामद हुई हैं जी। और एसपी ने पुलिस टीम को पुरस्कृत भी किया है। आईजी रेंज केपी सिंह मौके पर आए थे। यह एक अपने आप में पुलिस की बड़ी सफलता है। बिल्कुल देवानंद, और जानकारी ये भी मिल रही है कि और बहुत सैकड़ों में गौ तस्कर है जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। जी, आपने एकदम सही कहा। गो तस्करी की सूचना जहां जहां पुलिस को मिलती है पुलिस वहां जाती है और काफी इस समय जब से नए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ में सत्यपाल अंति लाए हैं प्रतापगढ़ की कानून व्यवस्था काफी सुधरी भी है जी। और इसमें प्रतापगढ़ की कानून व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त है। एसपी खुद मौके पर रहते हैं, एसपी खुद फील्ड में काम करते हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि जब जिस जिले का कप्तान सक्रिय रहेगा थाना अध्यक्ष भी सक्रिय रहेंगे तो प्रतापगढ़ जिले में गो तस्करी पर काफी हद तक अंकुश लगा है। जी पारुल जी, बिल्कुल देव शुक्ला, और जिस तरह से ये भी जानकारी मिल रही थी कि ये जो है 17 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, क्या ये कुछ जानकारी मिल पाई है कि कब से ये लोग गौ तस्करी कर रहे थे और कौन कौन और इनके अलावा शामिल है? पुलिस सूत्रों के अनुसार ये लोग गौ तस्करी में कई बार जेल जा चुके हैं, लेकिन जेल जाते हैं, जेल करके आते हैं, कुछ दिन तक काम करते हैं, फिर से गौ तस्करी में सम्मिलित हो जाते हैं जी। और इसमें से एक अभी फरार चल रहा था जिसके ऊपर 15,000 रुपये। तो अब की बात इसी के घर से सब पूरा वो किया और इसके ऊपर नाम बड़ी सफलता है जी। और जी, चलिए ठीक है देवानंद शुक्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रतापगढ़ का पूरा मामला है जहां पर गौ तस्करी करने वाले 17 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर ये बड़ी सफलता हासिल की है। साथ ही इसीलिए पुलिस को सम्मानित भी किया जाएगा, 50,000 का पुलिस को इनाम भी दिया जाएगा। आगरा के थाना बासौनी क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया और दोनों ही पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसके चलते दोनों पक्षों के एक वृद्ध सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों के घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया जहाँ उनका इलाज चल रहा है। वहीं बता दें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। बलरामपुर के हरैया सतगरवा वन विभाग बनकटवा रेंज की टीम ने एक पिकअप वैन में जंगल की लकड़ी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें क्षेत्रीय वन अधिकारी बरहवा रेंज राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हस्तिनापुर गांव के पास एक पिकअप रोका गया और जिसमें जंगली खैर की लकड़ी लगी हुई थी। मौके से पिकअप चालक सद्दाम हुसैन और अब्दुल हक विकास पांडे और जाहिद अली को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं सभी अभियुक्तों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं बस्ती में मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर जीडी यादव को 5 साल पहले मिर्जापुर की युवती से प्यार हुआ, जिसके बाद युवती सब कुछ छोड़कर डॉक्टर के पास आ गई। डॉक्टर ने शादी और नौकरी का लालच देकर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। अब 5 साल बाद डॉक्टर ने ना तो शादी की और ना ही प्रेमिका को नौकरी दिलवाई, घर का खर्च भी बंद कर दिया। मजबूरन अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए डॉक्टर की प्रेमिका सब्जी बेचने को मजबूर है। डॉक्टर जीडी यादव पर युवती ने प्रताड़ित
करने का आरोप भी लगाया है। यहां तक कि खाने पीने का सामान तक बंद कर दिया है। यह आरोप भी युवती की तरफ से लगाया गया है, जिसे युवती दर दर की अब ठोकर खाने को मजबूर है। वहीं पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि युवती ने अपने पति जीडी यादव और उनकी माँ के खिलाफ मारपीट की तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं इनसे 5 साल पहले मिली थी। ये मेरे पास आए थे मिर्जापुर, तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे और तुमसे हम शादी भी करेंगे और चलो मेरे साथ। तो फिर मैं अपना घर छोड़ के सब कुछ, सबसे रिश्ता नाता तोड़ के, और मैं इनके पास 1 साल मैं कानपुर में रही इनके साथ। और फिर उसके बाद अब 4 साल से मैं कैली हॉस्पिटल जो कॉलोनी वहाँ पे रह रही हूँ। तो अभी मेरा रिश्ता ऐसे ख़राब हुआ, मैं उनको बोली कि मेरे को अपनी वाइफ बनाओ और फिर आरएन की एडमिशन कराओ। तो कुछ भी, मतलब घर में कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद डेली आएंगे पीकर तो मुझे टॉर्चर करते हैं और मारते हैं। और उनकी एक दिन माता जी आई थी तो मुझे बहुत गाली दी और बहुत कुछ सुनाई। फिर उसके बाद मुझे घर से बाहर निकाल दी। मैं पूरा रात एक दिन दूसरे के घर रही अपने बगल में। फिर उसके बाद मेरा कहीं सहारा नहीं था, फिर मैं अपने से आ गई घर में। उन्हें बुलाए फिर भी मैं घर में आ गई, फिर रहने लगी। फिर क्या नाम है इनका? डॉक्टर जीडी यादव। इनसे संपर्क कैसे हुआ था आपको? फेसबुक से हुआ था। नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि वो सब्जी बेच रही है या किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न है। दिनांक 28/9/2021 को साधना यादव, वाइफ ऑफ डॉक्टर जीडी यादव, निवासी कैली हॉस्पिटल ने एक अभियोग अपने पति डॉक्टर जीडी यादव व उनकी मां के ऊपर मारपीट करने और मोबाइल तोड़ने के संबंध में लिखाया है, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 345/41, धारा 323, 504, 506, 427 IPC पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना सोनूपर चौकी इंचार्ज राम भवन प्रजापति द्वारा की जा रही है। विवेचना से ही अन्य तथ्यों की पुष्टि हो पाई। मैं इलाज के सिलसिले में बस्ती से बाहर हूँ। मेरे संज्ञान में आया है कि एक महिला मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगा रही है, जो कुछ सालों पहले फेसबुक से मुझे मिली थी और यह बताई कि मैं LIC एजेंट हूँ। और कुछ दिनों बाद बात करने के बाद फिर बात करती रही हमसे कि आप LIC करा लीजिए। और फिर जो है मैं ये सब जब ये जानी कि मैं डॉक्टर हूँ, तो इसने अपने माताजी को इलाज के बहाने मेरे घर पर लेकर के आई और मैं जो है डॉक्टर GM शुक्ला को उस समय दिखवा दिया। और उसके बाद अपनी परिस्थितियाँ मुझसे बोली कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे जो है कोई काम चाहिए। तो मैंने इसको जो है घर में नौकरानी की तरह रख लिया और मैं सैलरी के रूप में हर महीने 15,000 से 20,000 रुपये इसको देता था, जिसका मेरे पास प्रमाण भी है। और बाद में इसने जो है मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर आप पैसे नहीं दोगे, और एक्स्ट्रा धन का हमेशा डिमांड करने लगी और कैश में पैसे और अकाउंट में पैसे हमेशा लेती रही। और जब भी मैं पैसे देने से मना करता था तो ये बोलती थी कि मैं तुम्हें फंसा दूँगी और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी, तुम्हारा कैरियर ख़त्म कर दूँगी। जब देखा कि मैं बार बार ऐसा, मैं पैसे कब तक दे पाऊँगा, तो मैंने इसका विरोध किया कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा। और इसने इसी दौरान जो है मेरे घर में भी आ करके और मेरे बेडरूम में कब्जा कर लिया। बोली कि अगर आप नहीं रहने दोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद करूँगी। IPL मैच में सट्टा लगाने का धंधा ऋषिकेश में थमता नजर नहीं आ रहा है। 5 दिनों के अंतराल में दूसरी बार ऑनलाइन सट्टा लगा रहे 2 बुकों को SOG की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से लैपटॉप, LED सेटअप बॉक्स, सट्टे का रजिस्टर, 5 मोबाइल, नेट के डिवाइस और 3,500 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। सट्टा लगाने का धंधा रेलवे रोड स्थित एक होटल के कमरे में किया जा रहा था। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान विजेंद्र कुमार और मनीष सेमवाल के रूप में की गई है। 7 दिन पहले ही विजेंद्र कुमार ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर खरीदकर IPL मैच का सट्टा लगवाने का धंधा शुरू किया था। साथ ही बताया जा रहा है कि आरोपी की अम्बेडकर चौकी के पास
कपड़े की दुकान है और लॉकडाउन में नुकसान होने की वजह से भरपाई के लिए उसने शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश की। सीओडीसी ढुंडियाल ने बताया है कि सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा देहात कोतवाली क्षेत्र में ट्यूशन के लिए निकली कक्षा 10 की छात्रा की हत्या कर शव झाड़ी में फेंके जाने का मामला सामने आया है और इस मामले से घटना से महज कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। आपको बता दें कि छात्रा घर से ट्यूशन जाने के लिए निकली थी, तभी अचानक गाँव के बाहर पहुंचते ही रास्ते में उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर बुलंदशहर SSP खुद मौके पर पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई। बुलंदशहर SSP संतोष कुमार सिंह भी खुद आरोपी की तलाश कर रहे थे। वहीं घटना के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने खुर्जा देहात थाना क्षेत्र से आरोपी की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए आरोपी को अपने साथ थाने ले गई और आरोपी से गहन पूछताछ कर हत्याकांड का खुलासा करने का दावा कर रही है। भैया मैं जब छुट्टी को मैं फंसा मेरे बच्चे छोटे छोटे झूठ में बोल रहा मैं। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम संजय। मैं तो मारा तूने? मैंने किसी को न मारा सर। अच्छा सब बुढ़े भी मेरे संगे सुबह से ही अभी बोल क्लियर नहीं है साहब मेरे झूठे को मत फंसा। नहीं नहीं देखिए, जैसे ही हत्या की घटना की सूचना मिली, मैं और हमारी पूरी टीमें अलग अलग CO जैसे सब वहां पहुंचे। वहां जाने के बाद पता चला कि लड़का लाल रंग का टी शर्ट और नीचे काले रंग का कोई कपड़ा पहना है, जंगल की तरफ खेतों की तरफ भागा है। हमको लगा कि लगभग आधे घंटे का समय बीत चुका था, तो इतनी देर में 5-6 किलोमीटर गया होगा। उस अनुमान के आधार पर उस दिशा में जो बरतौली गांव था, हम वहां पहुंचे। वहां पे एक सज्जन मिले, उन्होंने बताया कि अब से 25-30 मिनट पहले एक लड़का इस हुलिया का सड़क क्रॉस करके वो जंगल जंगल खेतों के रास्ते भागा है। लगातार उस आदमी को साथ लेके अगले गांव में पहुंचे, वहां एक महिला ने इस बात की पुष्टि की। फिर भागते हुए हम लोग बिल्कुल मेन रोड पे आ गए, जो खुर्जा चोला रोड है। यहां पे PRB वालों ने बताया कि एक लड़का अभी खेत की ओर भागा है, हम लोग पीछा कर रहे हैं। इसके बाद हमारी टीम और हम लोग भाग के खेतों में पहुंचे, जन सहयोग से उस लड़के को जो झाड़ियों में छुपा हुआ था पकड़ लिया गया। हमीरपुर मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। सपा व्यापार सभा प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यपाल से संबंधित एक ज्ञापन SDM को सौंपा गया और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 1 करोड़ रुपए देने की मांग की गई। आपको बता दें कि कानपुर निवासी प्रॉपर्टी डीलर की गोरखपुर में पुलिस पिटाई के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद सियासत जोरों पर की जा रही है। सरकारी तंत्र ने जिस तरीके से एक व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर, जो कानपुर के निवासी थे, गोरखपुर में हत्या कर दी गई है, उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग मांग करते हैं कि उस परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद की जाए और एक सरकारी उनको घर में किसी को नौकरी दी जाए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ सड़क पर उतर करके धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग इस बात पे धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिए हैं कि ये जघन्य अपराध जो पुलिस ने किया है, होटल से पकड़ करके मनीष गुप्ता की हत्या कर दी है, तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, व्यापार सभा समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उसको न्याय मिलना चाहिए तथा इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए तथा उसके परिवार वाले आश्रितों को उतनी, उनकी पत्नी को नौकरी मिलना चाहिए और कम से कम 1 करोड़ रुपए उसको मिलना चाहिए, जिससे कि उसके बच्चों का पालन पोषण और भरण हो सके। और इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन पुलिस वालों के ऊपर जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया, हत्या करने का काम किया है, कि कम से कम दोबारा किसी की जरूरत ना हो। अगर ये नहीं होता है तो हम सड़कों पे हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ट्रेन रोकेंगे, बसें रोकेंगे और जो कुछ हम लोगों से हो सकेगा विधिवत कार्रवाई करने में कोई चूक नहीं करेंगे।
हरदोई के हरिंगयावा विकास खंड में तैनात एक सफाई कर्मचारी की पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। अब इस मामले में सफाई कर्मचारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी और उनके कार्यालय सहायक उनके वरिष्ठ लिपिक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर SP से मिलकर पूरे मामले में चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। आरोप है कि उसको कई महीनों से निलंबित कर रखा था और ये लोग उसे बहाल नहीं उन्हें देना चाहते थे, जिसके चलते उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और इसी वजह से उसकी पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पंचायत राज अधिकारी ने काफी समय से मुझे निलंबित कर रखा था, जिसका जवाब मुझे दिए हुए काफी समय हो गया है। उसके बाद में भी मुझे नहीं बहाल किया जा रहा, जिससे पारिवारिक स्थितियाँ बिगड़ गई। पत्नी ने कल जो है कि पॉइजन पी लिया, जिसके कारण उनको जो है जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जो DPRO कार्यालय व उनके सहायक कन्या श्रीवास्तव रविंदर सिंह जवाहरलाल और गिरीश चंद जिला पंचायत राज अधिकारी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के लिए। कहाँ आए थे आप लोग? कप्तान साहब ने क्या आपको लगता है कि उन्होंने कुछ कहा आपकी पत्नी से, क्या मामला हुआ? पूरी जांच अगर की जाए, क्योंकि अभी 8-10 दिन पहले मैं और पत्नी जो है हमारी रिक्वेस्ट करने उनसे गए थे, अनुरोध करने गए, तो उस पर भी उनका कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिला पंचायत राज तो उनके आवास पर व्यक्तिगत मिले जाते हैं कि जब कोई दोष नहीं है तो बहाल करें, लेकिन उनका कोई रवैया ठीक नहीं था। 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद 90 दिन के अंदर चार्जशीट लगी। जहर खाने की वजह क्या थी? हालात ऐसे स्थिति ऐसे उत्पन्न कर दी है कि हमारी हालत आप स्वयं देख लीजिए, उसकी जाँच करवा लीजिए, कार्यालय जाँच करवा लीजिए। कितने पत्र DPRO DM इनको सबको दिए हैं, DM भी नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता। आपकी पत्नी ने जहर खाया क्या? बच्चे भी गए हैं। आपकी पत्नी ने जहर खाया, क्या वजह थी? वजह यही थी, केवल बहाली का प्रॉब्लम थी। वहीं हरदोई के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में कटीघरा के जंगल में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर यहां से 2 लोगों को असलाह बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में बने असले और असलाह बनाने के उपकरण को भी बरामद किया है। बता दें, ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामले का खुलासा करते हुए ASP पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया है कि हरदोई के SP अजय कुमार के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी और CO हरियावा के पास पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन शिकंजा के तहत बेनीगंज के प्रभारी निरीक्षक विद्यासागर पाल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बेनीगंज कोतवाली इलाके के कटखरा गांव के जंगल में अवैध शस्त्र बनाए जाने की फैक्ट्री चल रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वहां पर छापेमारी करते हुए वहां से 2 लोगों को अवैध असला बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बता दें, गिरफ्तार किए हुए आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है। ये थाना बेनीगंज क्षेत्र में कटघरा के जंगल में अवैध शस्त्र निर्माण की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम अनिल है, एक का नाम रहमत अली है। और इन्होंने 4 तो इनके द्वारा 315 बोर के तमंचे निर्मित हैं पूरी तरह से, 1 अर्ध निर्मित है 12 बोर का और 4 नाल हैं और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। तो एक पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध असले बनाने का काम कर रहे थे, जंगल में अवैध असले बनाने की फैक्ट्री चल रही थी, जिसके बाद पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई के संडीला कोतवाली इलाके के सेखवापुर गांव निवासी सोन की मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी हुई थी। इस बीच एक युवक आया और उसने बाइक उठाई, स्टार्ट की और चल दिया। तेज गति से जाते समय उसके गांव के लोगों ने देखा तो उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसको दौड़ाया और करीब 3 किलोमीटर तक दौड़ाकर पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ये युवक बाइक चोरी कर ले जा रहा था। युवक कासिमपुर थाना इलाके के कचहरी गाँव का रहने वाला है। ASP दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है और युवक से पूछताछ भी की जा रही है। ये संडीला थाना क्षेत्र का वीडियो वायरल हुआ है, इसमें एक बाइक चोर पकड़ा गया है। इसके आधार पे पूछताछ उससे जारी है और इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसमें अभियोग भी पंजीकृत किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।